नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी शुभचिंतक। आप आए मेरे चैनल पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात कर रहे हैं शनिवार के एक ऐसे उपाय की जो कि बहुत ही कारगर है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस उपाय को एक वीडियो बना के आपको बताया जाए, लेकिन थोड़ा सा लंबा था उपाय, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आगे पीछे सोचा कि कब इसको बताया जाए। हालांकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी इस उपाय को आप लगातार कर सकते हैं। एक ही दिन का उपाय होता है वो तो बहुत आसान होता है करना, लेकिन कुछ लगातार करने वाला उपाय होता है जैसे सप्ताह भर या 11 दिन, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूँगी कि लड़के लड़कियाँ, मम्मी पापा जो भी इस उपाय को करें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, वो इसको लगातार करें और कोशिश करें कि इसको शुरू करने के बाद 7 दिन पूरा करें। और अगर अभी आपको लग रहा हो कि नहीं, हम अभी नहीं कर पाएंगे इस उपाय को, तो फिर जब आगे दिन खुल जाएं, माने लॉकडाउन नहीं हो, तब इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि इसको लड़का या लड़की कोई भी कर सकते हैं, मम्मी और पापा कोई भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। इस उपाय को करने के बाद आपकी सैकड़ों, मैंने 2, 4, 5, 7, 10 की बात नहीं कही है, सैकड़ों कहा है कि सैकड़ों रास्ते आपकी ज़िंदगी के सफलता के खुल जाते हैं। विवाह शादी को लेकर, नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर, या आपके किसी भी प्रकार की ज़िंदगी में जो भी अड़चन है, गृह क्लेश है, बिजनेस है, कुछ भी है, उसको लेकर सारे रास्ते आपके बन जाते हैं, खुल जाते हैं। इतना स्टीक उपाय है ये, इतना प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय को मैं चाहूँगी जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं वो सब इस उपाय को, अगर उनकी कोई मनोकामना है, एक नहीं कई मनोकामनाएं हैं, तो ज़रूर करें इस उपाय को। ये उपाय बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, है तो आसान। मैं आपको जिस तरह से बता रही हूँ उसी तरह से आप इसको वीडियो के लास्ट तक सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ आपको करना क्या है। शनिवार को आपको जब सूर्यास्त हो जाए, आजकल सूर्यास्त हो जाता है तो कोई ज़्यादा बहुत अंधेरा नहीं होता है, उजाला सा ही रहता है। बस जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, 7 बजे के लगभग सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप पीपल के पास जाइएगा। मैं उन लोगों से कहूँगी जिनके घर के नज़दीक है अभी पीपल, तो वो अभी उपाय कर लें। जिनके दूर है पीपल, घर से दूर है, लॉकडाउन में नहीं जा सकते, तो जब दिन खुल जाए तब वो इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन मनोकामना पूर्ति के लिए, कितनी सारी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए, विवाह शादी की तो होगी ही होगी आपकी, जो बच्चे बच्चियां करेंगे, लेकिन मम्मी पापा अगर कोई और भी बातों के लिए करते हैं तो वो भी, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। शनिवार को सूर्यास्त के बाद आप पीपल के पास जाएं। पीपल के पास जाने से पहले आपके पास जो सामग्री होनी चाहिए वो सुन लीजिए। एक मौली होनी चाहिए, मौली का गट्टा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास एक आटे का दीपक होना चाहिए, शुद्ध घी और बत्ती लगी हुई, माचिस साथ में। और उसके साथ ही मौली के साथ ही आपको लेना है एक लाल कपड़ा छोटा सा, और एक लेना है लाल पेन, लाल स्केच पेन ले सकते हैं, दूसरा पेन भी ले सकते हैं। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप लेके पीपल के पास जाइए। पीपल के पास जाने के बाद आप सबसे पहले दीपक जला दीजिए। वन बाई वन मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ, वैसे वैसे आप कर लीजिएगा। सबसे पहले दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। आपको मौखिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मौखिक नहीं याद है तो बुक ले जाइएगा साथ में और उससे आप बोल दीजिएगा। अब उसके बाद से आपको क्या करना है कि जैसे हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लेते हैं, आपको एक पीपल के पत्ता लगा हुआ हो, जिस डाली के पत्ता लगा हुआ हो, पत्ता तोड़ना नहीं है आपको, पत्ता लगा रहेगा उसके, आपको लाल स्केच पेन या पेन है उससे अपनी मनोकामना उस पर लिखनी है। मेरी शादी शीघ्र हो जाए, मुझे नौकरी शीघ्र मिल जाए, मेरा रिश्ता जो मुड़ गया है वो वापस आ जाए, मेरा जहाँ मैं चाहती हूँ वहाँ हो जाए, मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी हो जाए, जो भी मनोकामना है आपकी, है ना, मेरे ग्रह नक्षत्र अगर कोई हैं तो ख़राब हैं या शनि की दशा है, जो भी है आप कहें कि वो दूर हो जाए, विघ्न बाधा सारी दूर हो जाए, वो सारी आप बात उस पर
शॉर्ट में थोड़ा सा संक्षेप में उसको लिख दीजिएगा अपनी मनोकामना को। लिखने के बाद आपने बड़ा सा पत्ता देखिएगा जिस पर आप अपनी बात लिख सकें। उसके बाद से आप उस डाली पर, पत्ते पर नहीं डाली पर, आप मौली लेकर 7 बार मौली लपेट दीजिएगा। साधारण जैसे अपन लपेटते हैं बस वैसे ही, कोई ज़्यादा कस के नहीं, कोई ढीला नहीं, साधारण लपेट दीजिएगा 7 बार। 7 बार लपेटने के बाद आप वही मौली लेकर अपने खुद के, लड़कियां हैं तो बाएं हाथ में, लड़के हैं तो दाएं हाथ में मौली बांध लीजिएगा, अपने खुद के हाथ में भी। अब आपको क्या करना है, मौली बांध लेने के बाद आपको उस पत्ते को डाले के लगा ही रहेगा वो उसको आप तोड़े बढ़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। बस अब आपको आगे स्क्रीन पर जो मंत्र आ रहा है उस मंत्र को बैठ के नीचे, पीपल के नीचे बैठ जाइए, खड़े खड़े होता है तो खड़े खड़े कर लीजिए, बैठे कर सकते हैं तो बैठे कर लीजिए। स्क्रीन पर आगे मंत्र आ रहा है, उस मंत्र को 251 आपको जप करना है। बहुत छोटा सा मंत्र है, 3-4 शब्दों का है, फटाफट 5-7 मिनट लगेंगे आपको 251 उसे जप करते हुए। उसे जप करने के बाद आपको नीचे पीपल में जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी गीली हो, को पानी वानी लोग देते हैं, जल देते हैं पीपल में तो एक अलग बात है, सूखी हो तो भी आपको एक चुटकी भर, गीली हो तो चुटकी भर, सूखी हो तो भी चुटकी भर निकाल के मिट्टी वहाँ से, वो जो लाल कपड़ा आप साथ लेके गए हैं, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, रुमाल से भी छोटा ले लीजिएगा चाहे, उसमें वो मिट्टी बांध के एक गांठ लगा के ले आइएगा, मिट्टी उसमें डाल के रख के ले आइएगा। अब वो मिट्टी ला के आपको आपके उस जगह पर आपको रखनी है जहाँ सेफ, सुरक्षित, गलत हाथ ना लगें, इस जगह पर मिट्टी आपको रखनी है। आप अपने पर्स में रख सकते हैं, पूजा घर में रख सकते हैं, किसी सेफ अलमारी में रख सकते हैं, कोई ऐसी जगह हो जहां आप कोई सुरक्षित चीज़ें रखते हों वहां रख सकते हैं, कहीं भी रख लीजिए। स्क्रीन पर जो मंत्र है, ओम ह्रीम वट स्वाहा, सिर्फ 251 जप करना है आपको। अब ये हो गया उपाय आपका। इसी उपाय को लगातार आपको 7 दिन करना है। शनिवार से आप शुरू करेंगे, शनिवार आगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, आगे शुक्रवार, शनिवार को जाके वापस 8 दिन होते हैं। अदरवाइज़ आपको इसको 7 दिन करना है, यानी कि शुक्रवार को ये पूरे हो जाएंगे दिन। इन एक सप्ताह के अंदर आप करके देखें इस उपाय को, देखिए इसका चमत्कार कि आपके काम कैसे पूरे होते हैं। एक नहीं, कई मनोकामनाएं पूर्ण होंगी इसके साथ। आप एक बार करके देखें, आपको खुद को चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। बालाजी की कृपा पर पूर्ण बनेगी हनुमान जी की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ इसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए सभी को, आपके जो उपाय करेंगे सभी मेरे व्यूअर्स, उनको सफलता की शुभकामना देती हूँ कि सफल हों वो और अवश्य उनके काम बने। वीडियो में मेरे साथ अपने विचार शेयर करें।